यो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा, हमने एनिमल फार्म बनाया था जो कि आधा अधूरा रह गया था। तो मैंने ऑफलाइन में पूरा बना दिया है और अभी बस थोड़ा काम बाकी है। और आज हम बेसिकली बनाने चाहेंगे अपना अंडरग्राउंड हाउस। तो आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये डॉग मुझे जंगल से मिला, मतलब मेरे पीछे वाले जो बाहर जंगल है उधर। मैंने बेसिकली इधर से बना रहा था अपना एनिमल फार्म और पीछे से ये भोंकते भोंकते आया, बिल्कुल ऐसे ही आया। ऐसे भोंकते भोंकते आ रहा था तो मेरे पास जो स्केलेटन को मार के बोन्स इकट्ठा हुआ था वो उसको देख के टेम कर दिया। और अभी मैंने उसे बांध के रख दिया है, बाद में देखेंगे क्या करना है इसका। तो अभी मैंने यहाँ पर कैंप फायर बनाने आया हूँ, तो यहाँ पर बना लेते हैं कैंप फायर। जितना बनता है उतना बनाते हैं। अभी के लिए 6 बना के जाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है लुक। तो अभी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, तो इस तरफ से लगाते हैं। तो लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि इतना ही बना था। तो अभी मैंने यहाँ पर 6 लगा दिया है कैंप फायर। और अभी इसके ऊपर पानी डालना है हमें, तो पानी डालने के लिए हम बकेट इस्तेमाल करेंगे। तो बकेट इसके अंदर तो कहीं था, अभी दिखने अभी दिखा, हाँ यही है। तो बकेट लगा लेंगे हम। तो बकेट को हम पानी भरते हैं, फिर इसको कैंप फायर के ऊपर लगा लेंगे। तो अभी यहाँ से पानी ले लेते हैं, अभी डाल के देखते हैं ये कैसा लुक देता है हमें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल में रख दीजिए। ऐसे ही नए नए मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर सब में लगा दिया है कैंप फायर, मैंने वीडियो को स्किप कर दिया है। और अभी मैं बनाने जा रहा हूँ बीच का स्लैब जो लगेगा हमारे छत में, तो एनिमल फार्म की छत में लगेगा। तो बना दिया हूँ अभी बहुत सारा। और अभी जाते हैं यहाँ पर लगा लेते हैं इसे। और यहाँ पर पहले फूड ले लेते हैं, हेल्थ वैसे भी कम है। तो अभी देखते हैं इधर कैसे लगता है। यहाँ पर लगा लेते हैं और ये लगाने के बाद आपसे मिलता हूँ मैं। तो ये लग गया है और आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। लेकिन एक ये अच्छा बात नहीं है, यहाँ पर हम टॉर्च नहीं लगा सकते, नहीं तो यहाँ मॉब्स ये स्पॉन हो जाएंगे। लेकिन मैंने नीचे तरफ बहुत सारा टॉर्च और ये बहुत सारे टॉर्च और लैंटर्न लगा दिया है। और अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कांच जो कि लास्ट एपिसोड में बना चुके थे हम। और इस तरफ हमारा है ट्रैप डोर, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है दूर से। और ये हमारा डॉग। तो अभी चलते हैं हमारे अंडरग्राउंड हाउस बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए बहुत सारा स्टोन ब्रिक्स। और स्टोन ब्रिक्स से पहले हम बनाते हैं स्टोन कटर। लेकिन पहले आपको नीचे का हाव भाव तो दिखा दें। तो ये पहले दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, अब देखते हैं हम बनाने के बाद कैसे दिखता है। तो बने रहिए वीडियो में, और अच्छी लग रही हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर बना लेते हैं पहले हम एक स्टोन कटर या फिर ग्राइंड स्टोन, जो भी बन सकता है बना लेंगे। तो ग्राइंड स्टोन बनाने के लिए हमें बस एक स्टोन स्लैब चाहिए, लेकिन स्टोन कटर भी तो बनाना था। स्टोन कटर हाँ ये है। अच्छा ये स्टोन तो मेरे पास है और आयरन भी है, वैसे स्टोन कटर बना लेते हैं। ग्राइंड स्टोन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो स्टोन कटर के लिए स्टोन इधर हमारे पास है और आयरन भी है, देख लेते हैं किधर है स्टोन। आयरन तो इधर नहीं दिख रहा, आयरन इस तरफ इस चेस्ट में था। तो एक ले लेते हैं, अब बना लेंगे हमारा स्टोन कटर, इधर ही है, इससे बना लेंगे। अब इसे प्लेस कर लेते हैं हम अपने घर में
यहाँ पर, फिर यहाँ से बना लेंगे हम स्टोन ब्रिक्स, स्टोन को रख के। ये चीजल स्टोन ब्रिक्स है क्या? हाँ ये भी अच्छा दिख रहा है, इसे हम घर में लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर और एक चेस्ट बना लिया है, और उसके अंदर जो जो मेरे पास इन्वेंट्री में था वो सब मैंने रख दिया। अभी हम इससे और बहुत सारे बना लेते हैं, चीजल स्टोन ब्रिक्स या फिर स्टोन ब्रिक्स, और स्लैब भी बनाएंगे इसको हम डेकोरेट करने के लिए ले रहे हैं। और सैंड स्टोन से भी बन सकता है लगता है यहाँ, तो ये देख लेते हैं। पहले ये बना लेते हैं हम इसका वाल, जो जो है सब बना लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ काम आते हैं। तो यहाँ से नीचे जाते हैं और इसे हम लगा लेते हैं। तो पहले हम लगाएंगे स्टोन ब्रिक्स, चिजल स्टोन ब्रिक्स लगा लेंगे इस तरफ। तो यहाँ पर लगा लेते हैं चिजल स्टोन ब्रिक्स, और यहाँ पर मैंने लगा दिया है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लुक आ रहा है। और नीचे तरफ हम लगा लेंगे स्टोन ब्रिक्स, इससे लुक एनहांस हो जाएगा। और यहाँ पर हम लगा देंगे ब्लास्ट फर्नेस और जो भी क्राफ्टिंग टेबल वगैरह सब है। और यहाँ पर हम आया हूँ मैं यहाँ सर्च करने के लिए फर्नेस, जो कि ब्लास्ट फर्नेस है। तो यहाँ पर उसका रेसिपी ये है, स्मूथ स्टोन बनाना पड़ेगा। स्मूथ स्टोन तो इधर बनेगा क्या, स्मूथ स्टोन या फिर फर्नेस में बनेगा? इधर स्मूथ स्टोन की रेसिपी तो नहीं दिया है, स्मूथ स्टोन स्लैब है, स्मूथ स्टोन लाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लिखा है। तो ये बनेगा फर्नेस से लगता है। तो स्टोन भी है हमारे पास, फर्नेस में स्टोन है क्या? स्टोन है पहले से, तो ये कोबल स्टोन निकालो, स्टोन डालो, और इधर से बन जाएगा हमारा स्मूथ स्टोन। ये बनता रहे तब तक हम और स्टोन लेते हैं और इसका चीजल स्टोन ब्रिक्स बना लेंगे, या फिर स्लैब्स भी बना लेंगे। ये अभी हमारा काम आएगा। तो अभी हम इसमें से स्टोन सैंडस्टोन निकाल लेते हैं और इसका देखते हैं इससे क्या बनता है। तो इससे बन रहा है हमारा कट स्टोन और चिजल सैंडस्टोन, ये भी बहुत काम आएगा हमारे आगे। तो नीचे डेकोरेट करने के लिए ये भी बना लेंगे। अभी यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर अभी हम नीचे इस तरफ लगा लेते हैं हमारा जो कि है, नीचे तरफ हम लगाएंगे सैंड लगा लेंगे, नहीं तो सैंड से बहुत ही अच्छा डेकोरेशन टाइप आइटम आएगा। या फिर यहाँ पर पहले स्लैब ही लगा लेते हैं, मैं लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। नीचे लगा लिया है, और नीचे तरफ मुझे चाहिए ग्लास पेन जो कि वाइट कलर का चाहिए। और यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ कॉन्क्रीट पाउडर, जो कि बहुत अच्छा लुक देता है मॉडर्न हाउस बनाने के लिए। तो कॉन्क्रीट पाउडर मैंने बहुत सारा बना लिया है पहले से, जो कि बोन मिल से बनता है। आप देख सकते हैं मैं उसको बन चुका है। तो मैं इसे पहले वाटर में भिगा के इसको तोड़ के लाता हूँ, तो ये कुछ कॉन्क्रीट पाउडर टाइप है, फिर कॉन्क्रीट बन जाएगा पूरा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉन्क्रीट पाउडर रखा है, सब कॉम्प्लीट बना सकते हैं। और यहाँ पर से सब तोड़ लेते हैं और इसे लेके जाएंगे अंडरग्राउंड हाउस बनाने के लिए। तो इसे तोड़ लेते हैं, तो टूट गया। अब चलते हैं
ठीक है, अभी मैं यहाँ पर सो गया था और यहाँ पर नीचे मैंने तोड़ लिया है बहुत सारा। यहाँ पर लगा लेंगे हम स्प्रूस का प्लैंक्स, और इस तरफ लगा लेंगे हम ज़्यादा नहीं बस 3 लगा लेंगे स्लैब। नीचे भी लगा लेते हैं, तो मैंने वहाँ पर लगा लिया है, और यहाँ पर इस तरफ भी लगा लेते हैं वुड प्लैंक्स। उसके ऊपर लगाएंगे हम हमारा ग्लास का पेन, तो इधर लगा लेते हैं इस तरफ भी। तो यहाँ पर अभी हम लगाएंगे ग्लास पेन, कंक्रीट भी ले लेते हैं, ग्लास पेन भी लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पर लगा लेते हैं स्प्रूस प्लैंक्स, ठीक है। अभी इससे तो हमारा बहुत ही एनहांस हो जाएगा, ग्लास पेन लगा लेते हैं। तो मैंने वहाँ ग्लास पेन लगाने के लिए जा रहा था, लेकिन ग्लास पेन ख़त्म हो गया, तो अभी मैं और ग्लास पेन लेके आया हूँ ऊपर से, और अभी फिर से हम लगा लेते हैं इधर। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करना, वीडियो थोड़ा बड़ी होने वाली है आज की। और इधर से भी तोड़ लेते हैं, वाइट कंक्रीट लगा लेते हैं इधर। तो जिस जिन्होंने लाइक नहीं किया और वीडियो अभी तक देख रहे हो, क्या बात बनता है इसका, तो प्लीज़ लाइक कर दे। और यहाँ पर लगा लेते हैं हम, जब तक मैं कंक्रीट लगाऊँ तब तक तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इधर हम लगा लेते हैं, अभी तो बहुत अच्छा दिख रहा है घर हमारा, लेकिन गलती हो गई थी। इस तरफ स्प्रूस का स्लैब भी लगाना था, जो कि हम लगाना भूल गए थे, अभी लगा लेते हैं। और हम अभी ज़्यादातर काम बचा नहीं है, अभी बस इस तरफ थोड़ा स्प्रूस प्लैंक्स लगाना है, लेकिन इतना छोटा नगर ना, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे ही 50 सब्सक्राइबर्स होगा तब हम अंडरग्राउंड हाउस को बड़ा कर देंगे। और यहाँ पर जितने ज़ॉम्बी हैं, मुझे लगता है मुझे एक्सपी पम्प बनाना ही पड़ेगा। अगर इस वीडियो में आते हैं 10 लाइक्स तो मैं ज़रूर बनाऊँगा एक्सपी पम्प, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि एक्सपी पम्प बनाना चाहिए या नहीं। तो इस तरफ मैं आया हूँ स्केलेटन ढूंढने, क्योंकि मेरे पास अभी वाइट ग्लास बनाना है, लेकिन स्केलेटन्स मतलब जो बोन मिल है वो नहीं है। तो यहाँ पर स्केलेटन्स मुझे दिख गए हैं, और अभी मैं ले लेता हूँ अपना हथियार, जो कि आयरन एक्स और आयरन का सूट। तो इधर से हम चलते हैं, ये लोग भी मारेंगे मुझे लगता है, लेकिन ये सुबह हो गई और ये लोग मरे नहीं, एक हिट में मर गया। तो इससे मर रहे हैं, सन की किरणें थोड़ी थोड़ी आ रही हैं वहाँ पे, और ये भी मुझे मार ही रहे हैं। इनसे मिल तो रहे ना बोन मिल, चला इतना सारा मारते हैं लेकिन मिल ही जरा, ये लोग को मारने से सुधरेंगे। अरे ये मेरा हेल्थ, दो हार्ट कर देंगे। अरे जाने दुकान, दो ही हार्ट है, अब इनसे तलवार लेना पड़ेगा। थोड़ा पहले खाना खा लेते हैं, फिर इनको दिखाते हैं हम क्या चीज़ है, ठीक है। खा लिया है, अभी चलते हैं इनको मज़ा चखाने। तो मैंने उन लोगों से बोन मील और साइड से येलो फ्लावर ले लिया है, और वाइट भी फ्लावर ले लिया है, जिनसे ग्रे कलर मिलता है हमें और येलो कलर मिलता है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और उनसे बनाते हैं ग्लास पेन, या फिर कंक्रीट का भी, येलो कंक्रीट बना सकते हैं हम, तो बना लेते हैं। तो यहाँ पर येलो कलर रखते हैं, यहाँ से येलो मिल गया, तो बहुत सारे येलो कलर लाए हूँ मैं, और यहाँ से वाइट कलर भी लाया था मैं, इससे ही बन गया है अब, ठीक है। तो इससे ही बन जाए, अच्छा। तो मैंने उधर से बहुत सारे कलर्स बना लिया है, और आप देख सकते हैं इधर मैंने एक एक्वेरियम भी बना लिया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर मैं ग्लास स्लैब लगा लिया हूँ, ग्लास पेन, और इधर मैंने कंक्रीट थोड़ा आगे तक कर दिया है,
और इस तरफ मुझे बिर्च का लॉग चाहिए डेकोरेशन के लिए, तो मैं बिर्च का ब्लॉग लेने आया हूँ। और उससे पहले कंक्रीट बना लेते हैं येलो कलर का। येलो कलर कंक्रीट आ गया ना, ठीक है। अभी इसको पानी के अंदर रख के सुखा लेते हैं, ठीक है। अभी ये बना चुके हैं और अभी हम इसे डेकोरेट करने ले जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्रे कलर और येलो कलर का बनाया है। अभी इसको कुछ ऐसे डेकोरेशन करते हैं। ये बन गया मेरा डेकोरेशन, आपको जो सा अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी मैं बीच ब्लॉग लेने जाता हूँ। इस तरफ हमें डेकोरेशन के लिए चाहिए, तो बीच ब्लॉग इधर से मिल गया मुझे और इसे ले लेते हैं। नीचे जाके जो स्लैब लगाए थे हमने, आपको दिख जाएगा इस तरफ जो गैप है इसमें लगा लेते हैं। तो मैंने लगा लिया है और आप लोग देख सकते हैं इधर मैंने बहुत सारा काम कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।